नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद अंसारी। जरमोहरा बांध, जी हां, इस समय रीवा के राजनीतिक गलियारों में इस बांध की धूम है। मैं इस बांध के बारे में आपको बता दूं, इस बांध को निर्माण यहां के बिंद के, या यूं कहें देश के बड़े नेताओं में से एक प्रख्यात समाजवादी यमुना प्रसाद शास्त्री ने करवाया था। अर्जुन सिंह के समय में जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इस बांध का उद्घाटन हुआ था। जहां तक आपकी नज़र पड़ेगी, जहां दूर तक आपकी नज़र पड़ेगी, पानी के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लगभग 200 एकड़ में पानी आज भी भरा हुआ है। इन दिनों इसी को लेकर यहां बांध के किनारे जो जमीन थी उसको लेकर यहां पर विवाद है। विवाद भी किस तरीके का है, प्रशासन कहता है रबी और खरीफ की फसलों में से खरीफ की फसल तालाब के किनारे नहीं बोई जा सकती। इसका सीधा सा अर्थ है, इस समय यहाँ पर जो भी फसल बोई गई है वह गलत तरीके से बोई गई है, उसको बोने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं था। इसी बात को लेकर जब यहाँ प्रशासन ने कुछ लोगों के खेत पर उनकी फसल को निकालने का प्रयास किया तो कुछ विवाद हुआ। यह विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। हम यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो इस तालाब को लेकर क्या सोचते हैं और क्या है उनका कहना, साथ ही प्रशासनिक अफसरों से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सुनाता हूँ यहाँ के जो भी प्रशासनिक अफसर हैं उनका क्या कुछ इस बांध को लेकर कहना है। जरमोहरा इन दिनों विवादों में है, लगातार किसी न किसी तरीके से राजनैतिक रूप से उसको उगाया जा रहा, शायद ऐसा ही कुछ कहा जाएगा इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जरमोहरा यहाँ पर सेमरिया में सिंचाई का एक बड़ा साधन है। क्या है फ्यूचर प्लानिंग जरमोहरा में आगे चल के, अब क्या किस तरीके से वहाँ की डेवलपमेंट किया जाएगा, इन तमाम बातों पे बातचीत करने के लिए हमारे पास SDM मौजूद हैं, नीलमणि जी। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे जरमोहरा में आगे क्या। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व प्रशासन के द्वारा जरमोहरा बांध को कुछ अतिक्रामकों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग ने प्रशासन से मदद मांगी थी और उन्होंने अपने पत्र में तहसीलदार को, जो उन्होंने पत्र प्रेषित किया, तो उसमें अवगत कराया कि हमारे बांध में अतिक्रमण कर लिया गया कुछ अतिक्रामकों द्वारा और हमारे बांध को उससे नुकसानी हो रही है। चूँकि जरमोहरा जलाशय का जो निर्माण किया गया था वह इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया गया था तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 3300 हेक्टेयर में सिंचाई के उद्देश्य से वह बनाया गया था। जरमोहरा जलाशय जो है वह लगभग 1200 एकड़ की ज़मीन पर है, जिस पर वर्तमान में लगभग 200 एकड़ में पानी भरा है। वह भी पूर्व वर्षों की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक पानी भरा है। पानी न भरने का एक प्रमुख कारण है, वहाँ पर जो खेती करते हैं जो लोग, वह वहाँ पर अतिक्रमण कर लेते हैं और अतिक्रमण करने के लिए खेती से अधिक ज़मीन उनको खेती के लिए निकल सके, इसलिए बांध के गेट को खोल देते हैं या उसको किसी तरह तोड़ देते हैं, जिससे पानी सीपेज हो जाए, निकल जाए और उनको खेती करने के लिए अधिक से अधिक जगह मिले। क्योंकि खरीफ में वहाँ पर किसी तरीके का पट्टा देने का प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर प्रोविज़न यह है कि रबी की फसल में जो ज़मीन बांध से अतिरिक्त रिक्त रहती है, उसमें जो वहाँ पे भूमि जिन किसानों की गई है उन किसानों को देने का प्रोविज़न है। इसमें सबसे पहले आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको पट्टे पे देना है। पूर्व में उनको पट्टे में भूमि दी भी जाती थी, किंतु वहाँ पे जो अतिक्रामक हैं, जो वहाँ पे लोकेश सिंह, ब्रजेश सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और अन्य लोग, उनके द्वारा उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली जाती है और छीनने के पश्चात उनसे उसी ज़मीन पर बटाई में, या तो तिहरा जो यहाँ का लोकल वो है प्रोविज़न है तिहरा में, या तो उनसे मजदूरी के तौर पे आदिवासी वर्ग के जो वहाँ पर लोग निवास करते हैं, जीवन यापन करते हैं, जिनका वह अधिकार है, उसको ज़बरदस्ती छीन करके, ज़बरदस्ती वहाँ पर अतिक्रमण करके, सरंगई के दम पे अतिक्रमण करके उनसे वहाँ पर मजदूरी करवाते हैं। और सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर सबसे शोषित वर्ग का ही शोषण करते हैं, आदिवासी वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। तो प्रशासन का यह उद्देश्य है कि वो ज़मीन पूर्ण रूपेण अतिक्रमण मुक्त होगी और अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात जो आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं उनको वहाँ पर
खेती करने हेतु नियमानुसार पट्टा प्रदाय किया जाएगा। प्रशासन ने बेहतर सोच ली है इसमें। जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया, एक गंभीर बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि यहाँ के जो भी भू माफिया हैं उस ज़मीन पर पहले कब्जा करते हैं, उसके बाद उस ज़मीन को अधिया में दे देते हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है और इस तफ्तीश को और अच्छे से जानने के लिए हम आपको जलमोहरा बांध भी ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। तो आइए चलते हैं जलमोहरा। तो सुना आपने, एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री इस बांध को लेकर, इस विवाद को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। हमने सोचा ये बात तो अधूरी है जब तक यहाँ के आदिवासियों से बात न की जाए। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ आदिवासियों के बीच और सुनाता हूँ उनकी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ सिमरिया में। सिमरिया में यहाँ पर आप जैसा कि अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी जमावड़ा है इस समय राजनीतिक गलियारों में, या यूं कहें रीवा में। चारों तरफ केवल जगमोहरा की ही बातचीत चल रही है। यहाँ पर ये सारे आदिवासी, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, जानने समझने की कोशिश करूँगा आखिर मामला क्या है, ये लोग यहाँ पर आखिर क्यों, क्या है आपकी समस्या। हमारी समस्या ये है कि जो मोहरा बांध का अधिकार हट गया, उसका हम ये उसमें साथ में है, उसका बहुत अच्छा हुआ, साथ देंगे, साथ देते ही रहेंगे। लेकिन जो पंचायत में हर एक गांवन में तालाब और पोखरी, तालाब पोखरी में पूंजीपतियों ने उसमें हक जमाए हुए हैं, वहाँ का अधिकार जब तक तालाबों के अतिक्रमण भी साथ किए जाए, जलमोहरा में जो हुआ वो काफ़ी बेहतर है, यही कहना चाह रहे हैं ना, बताइए। बिल्कुल, जलमोहरा में जो भी है उसमें सरकारी ज़मीन जो है आदिवासी को, हरिजन आदिवासी को दिया जाए, बताइए। बस यही कहना है मेरा कि क्या कहना आपका, ये कहना है कि जलमोहरा बांध से बहुत अच्छा आक्रमण हटा। जलमोहरा में जो भी हुआ वो काफ़ी बेहतर हुआ, यहाँ पर शायद इसी को लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए जलमोहरा में क्या हुआ और अब आप आगे क्या चाहते हैं। अब जब आगे हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को दो दो डिसमिल, चार चार डिसमिल जौन अपने काम का, बसने का, राख मिचने का वो मिल जाए, जो मोहरा बांध में अच्छा हुआ। एक बड़ी बात इनके हिसाब से ये भी है कि जलमोहरा में जो भी हुआ वो बेहतर हुआ, लेकिन अब उसमें से विधिवत तरीके से हम लोगों को, आदिवासियों को कुछ ज़मीन मिल जाए जिससे हम उस पर खेती कर सकें। लगातार इन दिनों जलमोहरा काफ़ी चर्चाओं में है। हमारा भी यही सुझाव है जी, जो जलमोहरा बाद में ज़मीन खाली कर गई या त्रिपकामन हटा गया, शासन प्रशासन का बड़ा अच्छा काम रहा और हम यही चाहते हैं कि गरीबों को हक दिलाया जाए और किसी की न तो बंधवा न बगीचा ले रहे हैं, हम अपना हक लड़ रहे हैं, इसी के लाले आगे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिमरिया में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं जो भी हुआ बेहतर हुआ, अब उस पर विधिवत तरीके से जो भी है हमको उससे थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए जिससे हमारे और हमारे परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से हुआ। बताइए जिस तरीके से ये लगातार बातचीत हो रही है, क्या क्या है आपका सोचना। सरकार तो अच्छा कर रही है और गरीबों के हित की काम कर रही है और करना चाहिए। वो गरीबों एक पेट पालते हैं, जो वास्तविकता में जलमोहरा है जंगली पूर्वी है, वो एक दो उड़ा शासकीय है, उनको जो जो माफिया है उनको जो वहाँ पर माफिया गाबिन को हटाया जाए, उनको हटाया जाए। अच्छा, एक ये सवाल होता है, जैसे आपने भी माफिया कहा तो जिनको हटाया गया है क्या वो माफिया ही हैं। अब जी साहब, जी माफिया हटाया, माफिया जो हटाया, शासन ने जिसको भी हटाया है वो माफिया है, उनका केवल इतना काम है जमीनों में कब्जा करना। लगातार कुछ इसी तरीके के हालात वहाँ पर पैदा हुए थे जैसा कि इन लोगों की बातचीत के साथ निकल कर आई। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे समझेंगे ये क्या है पूरा मामला। मामला यह है सर कि जो हमारे हरिजन आदिवासी हैं, जरमोहरा बांध पड़ा है तो जेखे जमीन नहीं है, गरीब परिवार है। पहले तो एक दो परिवार रहा, एक दो परिवार से 10 परिवार हो चुका है, एक मड़ई में कैसे समाहित होई, पहले एक प्रश्न कर। ताकि वो जो जमीन पड़ी है जरमोहरा बांध के अंदर, हमारे गरीब का पट्टा प्रदान किया जाए, हर जन आदिवासी का 10,000 आदमी वहाँ है, तो उनका जब दिन जाए तो उनका बच्चा जो है सुरक्षा से पढ़े लिखे जाए हैं और ढंग से पली जाए हैं,
शिक्षा दीक्षा बराबर हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गंगी नरचक दही। जैसा कि आपने साफ तौर से सुना, हमें अपने चिंता तो है ही है, साथ ही हमारे उन परिवारों की भी चिंता है जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर ज़मीन हमको मिलती है तो निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, हमारा परिवार भी वहां पर बेहतर तरीके से रहेगा, उनका भी जीवन बेहतर तरीके से गुजारा होगा। कुछ इस तरीके की बात यहां पर निकल कर आई। और कोई कुछ अपनी बात कहना चाहता है कोई? हाँ बताइए। हमारे बीरखाम पंचायत में जो तिलाव 24 एकड़ के पड़ा है, खजुरिया तिलाव पर पड़ा है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की इतनी ज़मीन नहीं है, तो हमने चाहते हैं कि उसको शासन प्रशासन जनता को समाज को दीन चाहिए। लगातार जिससे भी बात हुई उनका सबका यही कहना था। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं शासन से कि सब चीज़ के लिए पूछता है, किसानों के लिए वो क्या व्यवस्था किए, खेत बोने के लिए खाद का पता नहीं है, चल रहा धुना धुन ये गल्ला बंट रहा है, ये सब बंटवारा हो रहा है किसानों के लिए क्या? इसमें गरीब किसान भी हैं, कमजोर लोग भी अधिया का खेती लिए। आज खाद जो है तो 1400 रुपये बोरी यहाँ मिल रही है, एग्रो में खाद नहीं आ रही, तो शासन ये क्या व्यवस्था बना रखा है? शासन पर लगातार इन लोगों का कहना है किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए, वह भी सस्ते दरों पर। अगर सस्ते दर पर किसानों को खाद मिलेगी तो वो उस खाद का इस्तेमाल उस खेत पे करेंगे जिस खेत से लहलहाती हुई फसल मिलती है, और उस फसल का इस्तेमाल से उनका और समाज के तमाम लोगों का जीवन चलता है। जीवन के लिए अन्न बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके की बातचीत यहाँ पर इन लोगों की निकल कर सामने आई है। इस खबर पर हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी, इसमें जो भी घटनाक्रम होंगे हम आपको उससे भी निश्चित रूप से अवगत कराते रहेंगे। जिस तरीके से ये विवाद हुआ है, इस विवाद का अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके का कोई औचित्य नहीं है। जब प्रशासन की नज़र में खरीफ फसल बोने का किसी को कोई अधिकार ही नहीं है तो उसको उस फसल को बोना नहीं चाहिए। ये न तालाब के किनारे की जो भी ज़मीन है वह केवल रबी के फसल के लिए, प्रशासन का साफ तौर से यहाँ पर कहना था। जो एक चौंकाने वाली बात इस पूरे प्रकरण में समझ में आई वह थी, यहाँ कुछ दबंग लोग इस तालाब के दोनों ओर की ज़मीन में कब्जा कर लेते हैं और फिर यहीं के भोले भाले आदिवासियों को कम रेट में, जी हाँ कम रेट का सीधा सा अर्थ है अधिया में, उनको ज़मीन दे देते हैं खेती करने के लिए। इसका सीधा सा अर्थ है बगैर कुछ लगाए मलाई यहाँ के जो दबंग खा जाते हैं। जब इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने यहाँ पर कुछ सांकेतिक रूप से कुछ फसल को यहाँ पर काट दिया, हालाँकि पूरी की पूरी फसल अभी भी लगी हुई है, थोड़ी सी फसल को काटा गया। प्रशासन का साफ तौर से कहना था अब हम इस फसल को आगे आने वाले समय में किसी को नहीं बोने देंगे, जिनका हक है, जो समाज के गरीब आदिवासी कुचले हुए समाज के निचले तबके के लोग हैं, अब हम उस फसल को उन्हीं को बोने देंगे जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण होगा। अगर प्रशासन अपने इस दावे पर कायम रहा तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल होगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, उस बातों से हमारी खबर को और या हमसे किसी को कोई मतलब नहीं। हम तो केवल यह चाहते हैं, हमारा चैनल भी यह चाहता है कि इस यहाँ का जो भी पानी भरा गया है उस पानी का यहाँ के गांव वालों को लाभ मिले, साथ ही इसके अगल बगल की फसल है जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पेट का इंतज़ाम यहाँ पर किया जा सके।